नमस्कार दोस्तों, शारदीय नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं। नवरात्रि के खत्म होते ही त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। जी हां दोस्तों, सभी इस बात से वाकिफ होंगे कि अष्टमी नवमी तिथि के बाद दशमी तिथि आती है और इस दिन विजयदशमी यानी दशहरा मनाया जाता है। दशहरे का पावन पर्व इस बार 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा और इसके साथ ही इस दिन कुछ विशेष संयोग भी बन रहे हैं, जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के जरिए देने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। दशहरा यानी विजयदशमी का पर्व हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने अधर्म, अत्याचार और अन्याय के प्रतीक रावण का वध करके पृथ्वीवासियों को भयमुक्त किया था और देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक असुर का वध करके धर्म और सत्य की रक्षा की थी, जिस पर देवताओं ने भी विजयोत्सव मनाया था। तब से विजयोत्सव मनाने की परंपरा चली आ रही है। इस दिन भगवान श्री राम, दुर्गा जी, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और हनुमान जी की आराधना करके सभी के लिए मंगल की कामना की जाती है। समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विजयदशमी पर रामायण पाठ, श्री राम रक्षा श्रोत, सुंदर कांड आदि का पाठ किया जाना बहुत ही शुभ माना जाता है। विजयदशमी यानी दशहरा पर्व 15 अक्टूबर को मनाया जा रहा है और इस दिन ग्रहों के विशेष संयोग बन रहे हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस दिन मकर राशि में 3 ग्रहों की युति बनेगी यानी कम्बिनेशन बनेगा। देवगुरु बृहस्पति, शनि और चंद्रमा का गोचर जो है वो मकर राशि में होगा और इस दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि दशमी तिथि जो है वो 14 अक्टूबर को दिन गुरुवार को शाम 6:52 से आरंभ होकर के 15 अक्टूबर शुक्रवार को शाम 6:02 पर समाप्त होगी। अतः विजय दशमी का जो त्यौहार है वो 15 अक्टूबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। यदि दशमी तिथि 2 दिन पड़ती है परंतु श्रवण नक्षत्र पहले से ही अपराह्न में पड़ता है तो विजयदशमी का जो त्यौहार है वो प्रथम दिन में मनाया जाता है। हालांकि इस बार 2 तिथियों का संयोग नहीं है। इस दिन पंचांग के अनुसार दोपहर 2:02 से 2:48 तक विजय मुहूर्त बना हुआ है। दशमी तिथि को शुभ कार्य के लिए बेहद उत्तम माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त जो है वो सुबह 11:43 से दोपहर 12:30 तक रहने वाला है। इस मुहूर्त में की गई पूजा सभी ओर से जीत आपको दिलाती है। जो विजय मुहूर्त है वो 2:53 से दोपहर 2:47 तक रहेगा। जब सूर्यास्त होता है और आसमान में कुछ तारे दिखने लगते हैं तो ये अवधि जो है विजय मुहूर्त कहलाती है। इस समय कोई भी पूजा या कार्य करने से सफलता मिलती है, अच्छे परिणाम मिलते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने भी रावण को हराने के लिए युद्ध का जो आरंभ था वो इसी मुहूर्त में किया था, जिसे विजय मुहूर्त कहा जाता है। जो अपराह्न मुहूर्त है वो 1:15:51 से 3:33:57 तक रहेगा। दशहरा पर्व जो है वो अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को अपराह्न काल में मनाया जाएगा। ये समय सूर्योदय के बाद 10वें मुहूर्त से 12वें मुहूर्त तक रहता है। इस बार ग्रहों के विशेष संयोग की वजह से दशहरा यानी विजयदशमी का पर्व बेहद खास रहने वाला है। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।